भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस आज उत्साहपूर्वक मनाया। इस दौरान जहां बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के घर पर पार्टी का झंडा फहराया गया, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी आवास पर भी बीजेपी का झंडा फहराया गया। इस दौरान मंत्रिमंडल के कई सदस्य और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी कहते हैं कि आज स्थापना दिवस को झंडा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के घर पर बीजेपी का झंडा फहराया गया। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और वसुंधरा राजे के घर पर भी बीजेपी का झंडा फहराया गया। अशोक परनामी का कहना है कि बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जो बूथ स्तर तक मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के घर पर पार्टी का झंडा फहराने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, तो साथ ही कहा कि छोटे से पौधे से शुरू हुआ पार्टी आज वटवृक्ष बनने की स्थिति में आ गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व में यहां तक पहुंची है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अमित शाह साहब, इन सब लोगों के कुशल और प्रभावी नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने पार्टी को यहां तक लाने का काम किया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस तो मनाया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी भी अशोक परनामी के दूसरे कार्यकाल में नई टीम के गठन का इंतजार है। कार्यकर्ताओं में इस बात का भी इंतजार है कि सरकार बाकी बचे राजनीतिक नियुक्तियों के पदों पर अपॉइंटमेंट की घोषणा कब तक कर देती है। राजधानी में हुई बेमियादी ऑटो हड़ताल, अधिकारियों की लापरवाही से परेशान होता रहा आमजन। बिना गजट नोटिफिकेशन छपे ही डीजल ऑटो पर लगाया चार दीवारी में जाने से प्रतिबंध, जिससे नाराज होकर ऑटो चालकों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। 6 अप्रैल 2016 यानी आज के दिन से चार दीवारी में डीजल के ऑटो पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये नोटिफिकेशन 19 मार्च 2016 को जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने जारी कर दिया था, लेकिन किसी भी नोटिफिकेशन का लागू होना तब से माना जाता है जब वह गवर्नमेंट प्रेस में छप जाता है, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन छपा नहीं। वहीं ऑटो चालकों के पास अधूरी जानकारी होने से इन्होंने बेमियादी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा रात 12 बजे से कर दी, जिसकी वजह से सुबह से ही लोग ऑटो के अभाव में परेशान होते हुए नजर आए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और स्कूल जाने वाले बच्चों के परिजन इस पूरी घटनाक्रम से काफी दिन भर परेशान हुए, लेकिन इस घटना के पीछे जयपुर RTO, जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल, DCP ट्रैफिक की बड़ी लापरवाही सामने आती है। जब ऑटो चालकों का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले DCP ट्रैफिक, RTO और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने कहा कि कल से चार दीवारी में ऑटो पर प्रतिबंध रहेगा, जिसका ऑटो चालकों ने विरोध शुरू कर दिया और रात से हड़ताल पर चले गए। लेकिन जब जी मीडिया ने पूरी खबर को समझा और प्रमुखता से दिखाया कि गजट नोटिफिकेशन छपा ही नहीं, तो विरोध किस बात का। उसके बाद ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल खत्म की और आमजन ने राहत की सांस ली। तीन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज शहर के 20,000 ऑटो के पहिए थम गए, वहीं आमजन दिन भर त्रस्त रहा। तो ऐसे में क्या राज्य सरकार इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या आने वाला समय तय कर देगा। प्रदेश भर में चल रही राशन डीलर्स की हड़ताल आज खत्म हो गई है। हड़ताल के चलते करीब सप्ताह भर से राशन की दुकानें नहीं खुल पाई थी। प्रदेश भर में चल रही राशन डीलर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख शासन सचिव सुबोध अग्रवाल से मिले और अपनी मांगों पर अमल करने को कहा। इस दौरान सुबोध अग्रवाल ने राशन डीलर्स को आश्वासन दिया कि उपभोक्ता पखवाड़े के बाद सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं समस्या के समाधान के लिए डीलर्स और अधिकारियों के बीच में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 3 राशन डीलर्स संघ के सदस्य और 2 खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समन्वय समिति बनाई जाएगी, जिसमें 3 व्यक्ति हमारे संघ के होंगे और 2 पदाधिकारी, और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनका समाधान होगा। हर महीने उसकी बैठक होगी। राशन डीलर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए खाद्य विभाग की ओर से कमेटी बनाई जाएगी। इस 5 सदस्यीय कमेटी के लिए
तीन सदस्य खाद्य विभाग के और दो सदस्य राशन डीलर्स के शामिल होंगे। कोटा पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। पुलिस की हिरासत में हुई है एक किसान की मौत। परिजन करा रहे हैं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस हिरासत में किसान की मौत। मामला कोटा के मंडाना थाने के सिंहपुरा गांव का है। किसान देवीलाल को चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। देर रात करीब 3 बजे देवीलाल को मंडाना थाना पुलिस घर से उठा लाई। सुबह ही देवीलाल की तबीयत बिगड़ी और कोटा अस्पताल में इलाज के लिए लाते वक्त रास्ते में ही देवीलाल ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप पुलिस पर है कि देवीलाल को टॉर्चर किया गया, इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हुई। किसान देवीलाल के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं परिजन अब इसके लिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। आरोप के घेरे में पुलिस है। पुलिस हिरासत में मौत हुई है तो इस मामले पर पुलिस अधिकारी भी चुप है। कैमरे के सामने कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इस मामले में ये लगता है कि जैसे सुबह जिसको उठा के लाए थे ये, और वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन पुलिस में उसके इन्होंने या तो टॉर्चर किया या कुछ सदमे के वजह से उसकी मौत हो गई है। मौत सुबह 10 बजे होगी। उसके बाद इन्होंने थाने में लाके यहाँ अस्पताल में लाके भर्ती कराया है। हमारी मांग ये थी कि जो दोषी जो लाया था पुलिस वाला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किसान देवीलाल के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी बहुत हद तक साफ हो पाएगा। फिलहाल परिजन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अजमेर जीआरपी की तफ्तीश में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल के मजदूर राजस्थान में कर रहे हैं नशे का कारोबार। 2 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर जीआरपी ने इन दिनों नशा तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अभियान के तहत खासतौर पर सियालदा एक्सप्रेस में बड़ी मात्रा में कई बार नशे की खेप भी बरामद हुई। जीआरपी की तफ्तीश में निकल कर सामने आया है कि नशे का काला कारोबार करने वाला गिरोह पश्चिम बंगाल से जुड़ा है और इस गिरोह ने राजस्थान में मजदूरी करने आने वाले मालदा इलाके के मजदूर ड्रग पैडलर का काम कर रहे हैं। ऐसे ही 2 ड्रग पैडलर अजमेर जीआरपी ने आज गिरफ्तार किए हैं। जिनके माल सप्लाई करने वाले थे उन आदमी को, आज 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक का नाम है मोहम्मद शरीफ और दूसरा है अजर खान। ये दोनों ही मालदा जिले के रहने वाले हैं। जीआरपी की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के इन मजदूरों ने अजमेर के साथ ही प्रदेश के कई शहरों को अपना ठिकाना बना रखा है। जीआरपी के अनुसार आने वाले समय में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बनाई गई कंपनी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की आज पहली बैठक हुई। इस बैठक में तय किया कि इस कंपनी को किस तरीके से बनाया जाएगा और साथ ही स्मार्ट सिटी का काम कब से शुरू किया जाएगा, ये भी इस बैठक में तय किया गया। इस बैठक में कंपनी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद रहे। निगम आयुक्त आशुतोष पेडनेकर ही इस कंपनी के सीईओ रहेंगे और प्रमुख शासन सचिव यूडीएच मंजीत सिंह इस कंपनी के चेयरमैन रहेंगे। इन दोनों के अलावा जयपुर महापौर निर्मल नाहटा भी इस बैठक में मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गठित इस कंपनी को किस तरह से फॉर्म करना है, इस मसले पर इस बैठक में चर्चा हुई। पूरे देश के स्मार्ट सिटीज में जयपुर ने दूसरे नंबर पर यह बैठक की। सबसे पहले बैठक भुवनेश्वर में हुई। चेयरमैन मंजीत सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि डीपीआर अब बना दी जाएगी और साथ ही टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। कल उदयपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता भी चेयरमैन मंजीत सिंह करेंगे। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एजीएम की बैठक 21 अप्रैल को आयोजित होगी। बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन ने यह भी दावा किया कि 15 जून से स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सेंटर की डेडलाइन इसमें 25 जून तक की है। जयपुर शहर दुनिया का सरताज शहर बने, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ के थे उसमें जयपुर उन अब पहले शहरों में जहां आज बोर्ड मीटिंग हुई है। जो भी योजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी हकीकत में तब्दील हो, उसकी पूरी कार्य योजना बनी है और जून के महीने में योजनाएं चालू हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी के लिए हुई इस बैठक में महापौर निर्मल नाहटा ने यह दावा किया कि इस बैठक के बाद से जयपुर के कायाकल्प की तैयारी भी शुरू हो गई है। 100 रुपए में कठोर बाल श्रम और होनारों के भविष्य से खिलवाड़। कोटा में मानव तस्कर सेल ने ऐसी ही कार्रवाई कर 3 बाल श्रमिकों को करवाया है मुक्त।
कूलर तैयार करवाने का काम नाजुक हाथों से। बचपन में हाड़ तोड़ मेहनत जैसा काम कोटा में मानव तस्कर सेल ने अनंतपुरा इलाके के रोड नंबर 5 में एक कूलर फैक्ट्री पर कार्रवाई की है और 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। मुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों की उम्र महज 12 से 15 साल के बीच है। इन बाल श्रमिकों से लोहे के बड़े बड़े कूलर बनवाने का काम करवाया जा रहा था। एक कूलर के तैयार होने पर एक बाल श्रमिक को 100 रुपये मात्र मेहनताना दिया जाता था। अनंतपुरा थाना पुलिस और मानव तस्कर सेल ने ये कार्रवाई की है। इनको एक कूलर कंप्लीट होने के बाद में 100 रुपये मजदूरी तय कर रखी है। जो मुश्किल क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की है? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जेजे एक्ट में और बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई की है। मानव तस्कर सेल ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है, जो कि होनार बच्चों से काम करवा कर उनके भविष्य के साथ कर रहे थे खिलवाड़। जयपुर के रेलवे स्टेशनों का होने लगा कायापलट। दुर्गापुरा स्थित रेलवे स्टेशन पर आज नए प्रतीक्षालयों का हुआ उद्घाटन। सांसद रामचरण बोहरा व उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने किया इनका उद्घाटन। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को हाल ही में जयपुर शहर के उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसके बाद दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन बहुत सी गाड़ियां का ठहराव भी होने लगा है। इसके साथ ही अब इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। इसी के तहत आज दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुए नए प्रतीक्षालय, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और एक VIP कक्ष का उद्घाटन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने इन कक्षों का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक अंजलि गोयल एवं मंडल के कई अन्य पदाधिकारी व अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद रामचरण बोहरा ने कहा कि प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का लगातार कायापलट किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे और भी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। एक तो रेलवे ट्रैक के पास बाउंड्री वाल नहीं थी और उससे काफी एक्सीडेंट होते थे, तो सबसे पहले तो बाउंड्री वाल को हाइट में लाया गया। दूसरा, रेलवे ट्रैक पे जिस प्रकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा शुरू से रहा है, स्वच्छता अभियान। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि जयपुर स्मार्ट सिटी में तीसरे पायदान पर है और यदि रेलवे स्टेशनों की स्थिति को सुधारा जाए तो इसमें और भी सुधार होगा। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन को मिली नई सौगात। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने किया नई वॉशिंग लाइन का शिलान्यास। रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर में नई वॉशिंग लाइन का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने किया। इसमें 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होगा। जनवरी 2017 में नई वॉशिंग लाइन और सुखाड़िया सर्कल से लक्कड़ मंडी तक CC रोड का लोकार्पण एक साथ किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की शुरुआत की, जहां से यात्रियों को पूरी जानकारी मिल सकेगी। मेघवाल ने कहा कि जल्द ही श्रीकरणपुर और रायसिंह नगर के प्लेटफॉर्म का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। स्टेशन पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विजयनगर स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जिस हमने वॉशिंग लाइन की शुरुआत की है 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई है। 24 डिब्बों की वॉशिंग लाइन होगी और अभी इसमें 10 महीने का इसमें टाइम बाउंड दिया है। अभी DRM साहब बोल रहे थे कि मैं 10 महीने में वॉशिंग लाइन के मैं कंप्लीट कर दूंगा। सरकार ने अलग अलग रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब सभी रेलवे स्टेशन हाईटेक हो जाएंगे। जोधपुर में बढ़ रहा है नशे का कारोबार। बनाड पुलिस ने 22 किलो अफीम की बरामद, पश्चिम बंगाल से लाई गई थी अफीम। बनाड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नांदला खुद रोड पर पश्चिम बंगाल के 2 तस्करों से 22 किलो अफीम बरामद की है। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल से हैं और जोधपुर अफीम सप्लाई करने आए थे। स्पेशल टीम तस्करों पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी दौरान बनाड रोड पर शिजित पेट्रोल पंप के पास नांदला खुद रोड पर 2 युवक संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। टीम को देखते ही दोनों युवक भागने लगे। इस पर टीम ने दोनों को पकड़ा, बैग की तलाशी ली तो 22 किलो अफीम मिली। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बनाड़ पुलिस टीम ने आज लगभग 5:30 बजे क्षितिज पेट्रोल पंप के सामने उस संदिग्ध व्यक्ति को हाथों में बैग लेकर खड़े देखा। जब उसे पूछताछ की गई तो दौड़ा के भागने लगे। पीछा करके जब पकड़ने पर और उनके जब बैगों को चेक किया तो उनके अंदर लगभग 22 किलो अफीम मिली।
पहले ट्रेन से, फिर बस से और अब पैदल, ये सारा सिलसिला चल रहा है अफीम लाने को लेकर। लेकिन पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और दो लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ चल रही है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। टोंक एसीबी टीम ने की आज बड़ी कार्रवाई। समाज कल्याण विभाग के एक बाबू को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का लाभ देने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। प्रदेश के सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पेड़ जमाता जा रहा है और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। टोंक में एसीबी की टीम ने एक और रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार किया है। सरदारपुरा गांव निवासी रामोतार बेरवा ने समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री निशक्त जन योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन कार्यालय में कार्यरत LDC संदीप खंगार ने आवेदन पत्र स्वीकृत करने की एवज में 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और रिश्वतखोर बाबू को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। टोंक एसीबी CI ने बताया कि बाबू संदीप खंगार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरकारी दफ्तरों में बाबुओं का रिश्वत मांगना कोई नया नहीं है, लेकिन कार्यालय में बैठे बाबू सरकार की साख पर बट्टा लगाने को आमादा हैं। बहरोड़ में CBSE से जुड़े निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाए जाने का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कमीशन खोरी के चक्कर में स्कूल ये रवैया अपना रहे हैं। अप्रैल के महीने में हर उस अभिभावक के माथे पर बल पड़ जाता है जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। नई क्लास में दाखिले के लिए मोटी रकम तो देनी ही है, उस पर तुर्रा ये कि किताब कॉपियों को खरीदने में भी पसीने छूट जाते हैं। बहरोड़ के अभिभावक इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इनका आरोप है कि निजी स्कूल कमीशन खोरी के चक्कर में NCERT की किताबें नहीं पढ़ाने देते। बहरोड़ के अभिभावक इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। इनका आरोप है कि निजी स्कूल कमीशन खोरी के चक्कर में NCERT की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाते हैं, जो गुणवत्ता के लिहाज से काफी घटिया हैं और नियमानुसार गलत भी। NCERT के जो किताबें 400-500 रुपए में मिल जाती हैं, उसके लिए 2,500 से 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि स्कूल संचालक इन आरोपों से इत्तफाक नहीं रखते। बच्चों को, उनके अभिभावकों को बाध्य होकर एक दुकान विशेष से ही वो किताबें खरीदनी पड़े और उसकी 10-10, 20-20 गुनी कीमत चुकानी पड़े। इस CBSE स्कूलों को चाहिए कि वो इस पे अंकुश लगाएं, NCERT का पाठ्यक्रम ही लागू हो। फिलहाल शिक्षा विभाग शिकायत मिलने का इंतजार कर रहा है और प्राइवेट पब्लिशर्स हर साल नया पाठ्यक्रम लागू कर देते हैं जिससे कि छात्र पुरानी किताबें इस्तेमाल में न ला सकें। ब्यावर के तारागढ़ में पैंथर के आने से हड़कंप। बाथरूम में घुसे पैंथर ने ग्रामीणों के छुड़ाए पसीने। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा। जवाजा ग्राम पंचायत तारागढ़ में वन विभाग की टीम ने पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया है। यहां माल का चौड़ा निवासी पूनम सिंह रावत के घर बाथरूम में पैंथर घुस गया था। इस बाथरूम में बकरियों को बांध रखा था। सुबह जैसे पूनम सिंह के बेटे ने दरवाजा खोला तो पैंथर बच्चे पर झपटा। बच्चे ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में गांव वाले मौके पर इकट्ठा हो गए और वन विभाग से रेस्क्यू टीम मंगवाई गई। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को पकड़ा जा सका। रेस्क्यू टीम पैंथर को अजमेर ले गई है। जितनी देर तक पैंथर बाथरूम में रहा, लोग डरे सहमे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद जब वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अलवर के मालाखेड़ा में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। नौकरों की तरह कराया जा रहा है बच्चों से काम। स्कूल में फैले कबाड़ को ढो रहे हैं बच्चे। ये तस्वीरें अलवर जिले के मालाखेड़ा के सरकारी स्कूल की हैं, जहां एक ओर सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बना रही है, वहीं ये सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय बाल श्रम करा रहे हैं। ये बच्चे शिक्षक के आदेशों पर टेबल, कुर्सियां और कबाड़ ढो रहे हैं। पूरी कार्रवाई में 2 शिक्षक लगे हुए हैं जिससे बाल श्रम ठीक ढंग से कराया जा सके। जब इन शिक्षकों से इस बारे में पूछा गया तो कैमरे से बचते दिखाई दिए। एक तरफ सरकार प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने की कवायद कर रही है, वहीं कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। प्रदेश भर में शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी। प्रतापगढ़ की पीपलखूट में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर निकाली रैली।
प्रदेश भर में शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रतापगढ़ में भी शराबबंदी को लेकर मांग तेज हो गई है। पीपलखूट में करीब 1000 महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर रैली निकाली और फिर सभा का आयोजन हुआ। यह आयोजन महिला स्वयं सहायता समूहों की तरफ से हुआ। इस सभा में पीपलखूट के प्रधान अर्जुन लाल ने भी संबोधित किया और महिलाओं को अपना समर्थन दिया। इस खास मौके पर बांध में स्वयं सहायता समूहों को बल देने के लिए प्रधान अर्जुन लाल ने 1,01,43,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया। अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में शराबबंदी को लेकर महिलाएं उग्र हो गई है। कई जगह तो वोटिंग के जरिए भी शराबबंदी पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। नागौर जिले की मीड़ता सिटी में चोरों के हौसले हुए बुलंद। पिछले 4 दिनों से लगातार दे रहे हैं चोरी की वारदात को अंजाम। आखिरकार आज व्यापारियों का फूटा गुस्सा और उन्होंने आज शहर के बाजार बंद कराकर पुलिस के खिलाफ जताया विरोध। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में बदस्तूर 4 दिनों से चोरी की वारदातों का दौर जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर आज आखिरकार व्यापारियों ने पुलिस के प्रति रोष जताया। इसको लेकर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त के प्रति व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि पुलिस की लापरवाही के चलते न केवल शहर के व्यस्तम मार्गों पर चोर दुकानों को निशाना बना रहे हैं बल्कि गली और मोहल्ले में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में जब बीती रात शहर के सबसे व्यस्तम इलाके मेड़ता सिटी के चारभुजा मंदिर के सामने जब एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाया तो इसको लेकर व्यापारियों का गुस्सा आक्रोशित हो गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ रोष जताया। रात्रि गश्त बढ़ा रहे हैं, ये मार्च के महीने के होने की वजह से अभी हमें होमगार्ड इस महीने में नहीं मिल पाया है तो उसकी वजह से थोड़ा हमारी रात्रि गश्त कमजोर है, उसको बढ़ाएंगे और बिल्कुल चोर को भी पकड़ेंगे। एक ही कोई चोर है जो ये लगातार वारदात कर रहा है। पुलिस के खिलाफ बढ़ते हुए रोष को लेकर मेड़ता उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता और डीएसपी आस मोहम्मद ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों के गुस्से को शांत किया और जल्द ही चोरी की वारदातों को खुलासा करने का व्यापारियों को दिलाया भरोसा। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल में नई है खांसी की दवा। राजकीय भर्ती अस्पताल के मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है दवाइयां। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय भर्ती अस्पताल में खांसी की दवा नहीं है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को खांसी की दवा या तो बाहर से खरीदनी पड़ रही है नहीं तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से दवाओं के कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे सरकारी चिकित्सालयों में आपूर्ति की जा रही खांसी की दवा भी शामिल है। इसके बाद चिकित्सालयों में खांसी की दवा नहीं खरीदी गई, जिससे मरीजों को खांसी की दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में जो सरकारी दवा की आपूर्ति हो रही थी उस पर सरकार ने कॉम्बिनेशन फेल होने के चलते रोक लगा दी है। इसके बाद दूसरी कोई दवा आई नहीं, जिसके कारण समस्या आ रही है। ड्रग कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा बैन कर दिया गया, जिसमें से रास्ता मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही कफ सिरप भी शामिल है। जो चूंकि इस दवा पे बैन किया जा चुका है इसलिए ये दवा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल पीएमओ ने दवा न होने की बात कहकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल रही है। ऐसे में क्या अस्पताल प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जल्दी इस समस्या का समाधान कराया जाए। राजसमंद के किसान भंवरलाल को मिली नई पहचान। नवाचार के लिए 21 मार्च को कृषि मंत्री ने किया सम्मानित। कुछ नया करने की ललक ने राजसमंद के इस किसान को एक नई पहचान दी है। खेती में इसके एक प्रयोग ने प्रदेश ही नहीं देश भर के किसानों को नई दिशा दी है। भंवरलाल के इस हुनर को जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया है। भंवरलाल ने अपने खेत में फूलगोभी की खेती की, साथ ही 3-3 फीट की दूरी पर उन्होंने गेंदे का फूल भी लगा दिया। इससे उन्हें दोहरी कमाई भी हुई। त्योहारी सीजन में उन्होंने फूल बेचकर पैसे कमाए और सीजन में सब्जी बेचकर कमाई की। ये गेंदे की फसल लगाई तो पता चला मेरे को कि इससे रोजड़े नील गाय जो खेत को फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसका मैंने पहली बार यह प्रयोग किया था। तो मैं खेत पे ही रहता था रात को और पहले बहुत परेशान थे तो उसमें मैंने देखा पास वाले खेत में तो नील गाय नुकसान कर रही है लेकिन मेरे खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ।
भंवरलाल के इस नवाचार से इलाके के किसानों को नई रोशनी मिली है और किसान उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं।